नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और जैसे जो जो टॉपिक हैं आप उनको रिवाइज कर रहे होंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन हाई कोल्ड के लिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें दो तीन चीजें पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दो तीन आपके कॉन्सेप्ट, आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ हाई कोर्ट का, उसने बड़ा अच्छा लेवल में एग्जाम लिया, ठीक है। इसके पहले तो वैसे ही लेते थे, लेकिन इस बार जैसे ग्रुप सी का जो आप पेपर देखिए या स्टेनो का जो पेपर था, उसमें इस बार सवाल उसने कूट में पूछा है। कूट के साथ साथ उसने सिंगल वाइज ने भी पूछा है। जैसे एक सवाल है 1857 के विद्रोह में कौन कौन हिस्सा लिए थे, तो उसमें से चार पांच नाम दे दिए, आपको छांटना था। आपसे पूछ लिया गया क्या कहते हैं कि मुगल काल में किस शैली की शुरुआत हुई थी, आपसे पूछा था सवाल, ठीक। तो कूट के साथ साथ सिंगल लाइनर भी सवाल आपको दिए हैं। तो ये जो आज का प्रैक्टिस सेशन है, इसमें मैं अभी आपको सिंगल लाइनर को सवाल कराऊंगा, फिर ऐसे ही प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो हर प्रकार के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन इसलिए है क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हैं छुट्टियों में तो भी आपको आपकी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि हाई कोर्ट अपना एग्जाम का डेट कभी भी आपके सामने क्या करता है, ला सकता है। हो सकता है कि आप खाना खा के हाथ धो के उठे हैं और तुरंत पता चल गया कि उसका एग्जाम का डेट आ गया। तो समय को वेस्ट नहीं करते हैं, प्रथम रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पूरा मिसलेनियस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम को हल्के में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। और मैं अक्सर हर एग्जाम के बारे में ये कह देता हूं, क्योंकि जो मुझे ऐसा फील होता है मैं हमेशा कहता हूं और एग्जाम फिर उसी लेवल पे आता है। तो पहला सवाल है, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है। आशा करता हूं आप लोग एकदम सही आंसर बताएंगे क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ है। तो कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है, पहले तो कालिदास जी के बारे में आप जान लीजिए। ये किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों में थे, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के किस में थे, ये नौ रत्न में थे। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि कभी कभार इस सवाल को थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी, विक्रमादित्य की। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि कालिदास किसके दरबार में थे, तो हो सकता है कि ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय ना देकर वो विक्रमादित्य दे दे, तो भी आपको आपका आंसर विक्रमादित्य करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अब ये अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकी अग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम, ये तीनों तो नाटक हैं, ठीक। कुमार संभव काव्य है किसका, ये सभी के सभी कालिदास के हैं। और कभी कभार ये सवाल पूछा जाता है कि कालिदास की रचनाएं किस भाषा में है, तो याद रखिएगा वो संस्कृत भाषा में है। तो अगर पहला नाटक आपसे पूछा जा रहा है तो पहला नाटक जो है वो मालविकी अग्निमित्रम है। और अगर आपसे आखिरी नाटक पूछा जाता कि कालिदास का आखिरी नाटक कौन सा है, तो आखिरी नाटक है विक्रमोवर्षीयम और पहला नाटक कौन सा है आपका, मालविकी अग्निमित्रम। मैं बोर्ड से इसलिए थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूं क्योंकि कई लोग सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हुए चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, इसलिए बोर्ड से थोड़ा दूर मैं आपके सामने हट जा रहा हूं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना नहीं है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उसमें रचनाओं से जुड़े हुए सवाल अवश्य पूछे गए हैं कि किसने कौन सी पुस्तक की रचना की है, या फलाना रचना फलाना किस घटना से है। तो सवाल के पैटर्न को विभाजित करके लाया गया है अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो के बारे में कई सारी खास बातें हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में थे कौन, अमीर खुसरो। आठ सुल्तान के दरबार में था अमीर खुसरो। उसके साथ साथ दरबारी कवि का जो पद मिला इन्हें, किसका, दरबारी कवि का, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय मिला। दरबारी कवि का पद किसके समय मिला, अलाउद्दीन खिलजी। शुरुआत बलबन के शासनकाल से हुई थी, लेकिन उस समय दरबारी कवि का पद नहीं दिया गया इनको। लोग ऐसे गाना होना सुन लेते थे, बाद में फेवरेट सिंगर हो गए, ठीक। तो ये क्या हुआ कि अलाउद्दीन के समय ये दरबारी कवि भी आ गए। अब इनका जन्म एटा में हुआ है, अभी आजकल कहीं कहीं कासगंज भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके साथ साथ सितार और तबला का आविष्कारक भी माना जाता है इनको, किसको,
अमीर खुसरो को। इसके साथ साथ टूटी फूटी बोली का जनक भी कहा जाता है, मतलब हिंदी की खड़ी बोली का जनक। इसके साथ साथ इनको तूते हिंद कहते हैं। तूते हिंद कहने का मतलब भारत का तोता। तो यहां पर देखिए कि किताबुल रेहला, रेहला तो इब्न बतूता की रचना है। किसकी? इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, MBT। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। अब इसमें क्या है कि नू सिपेहर, ठीक। अब मुद्दा यह है कि यहां पर सवाल देखिए, अब देखिए ऐसे ही गलती होती है सवाल की, कैसे जैसे यहां पर गलती हुई। अब सवाल आप लोग पढ़ते नहीं, अब सवाल में क्या है, रचना नहीं है। तो ये भी रचना है, ठीक है, ये भी रचना है, ये भी रचना है। किताबुल रेहला जो है ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। इसलिए जब भी आप लोग सवाल पढ़ा करिए तो आप लोग सवाल को ऐसे ही ध्यान से देख लिया करिए कि सवाल में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं। यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग है, तो नहीं अगर पूछा गया है तो आंसर आपका हो जाएगा किताबुल रेहला। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? अब देखिए, हाँ, अब यहां पर समझिए, रवीन्द्रनाथ टैगोर का अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गीतांजलि हो जाएगा। इसके साथ साथ रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक और फेवरेट पूछा जाता है, आप लोग आंसर बताते रहिए, सब लोग आंसर अपना बताते रहिए, ठीक। अमार सुनार बांग्ला गीत की रचना भी किसने किया था? रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। कब किया था? जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। अब जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की रचना कौन कौन सी है? तो इनकी रचना क्या है? भारत की खोज है, ठीक। क्या है? भारत की खोज। ये किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की। और इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद की रचना है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुतपिटक की रचना किसने किया है? सुतपिटक की रचना किसने किया है, ठीक। ये उपाली है, उवाली नहीं है, उपाली है। बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया है कि बौद्ध धर्म में तीन ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक। एक सुतपिटक, इसमें क्या है? तो इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। दूसरा क्या है? तो दूसरा है विनय पिटक, ठीक। इसमें क्या है? इसमें नियम कानून है भाई, बौद्ध संघ में आपको कैसे रहना है, क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या कार्य नहीं करने हैं, वो किसमें है? वो विनय पिटक में है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है अधिधम्म पिटक है। अधिधम्म पिटक में क्या है? तो अधिधम्म पिटक में, हाँ देखिए एकदम आंसर बताते रहिए सब लोग, ये ऐसा पढ़ाने के बाद भी गलती नहीं करना है, समझिए। बैच में भी इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं और लाइव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज जो लोग कम से कम एडमिशन, जो लोग कम से कम हम लोगों से पढ़ रहे हैं, वो गलती मत करिए। अब इन्हीं तीनों को मिलाकर हम क्या करते हैं? इन्हीं तीनों को मिलाकर हम कहते हैं त्रिपिटक, ठीक। एक दुई तीन मिला का हुई के त्रिपिटक। और त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या हो गया? तो त्रिपिटक। अब देखिए, मोगली पुत्र तिस्स ने अधिधम्म पिटक की रचना की, ठीक। सुत पिटक की रचना किसने की है? आनंद ने। विनय पिटक की रचना उपाली ने। और भद्रबाहु ने कल्प सूत्र नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें जैनियों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? तो जैनियों की जानकारी इसमें मिलती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुतपिटक की रचना किसने किया है? आनंद ने। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई, जो पढ़े उनको मजा आएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको ही समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। इसीलिए कहते हैं क्लास को करना आवश्यक होता है, क्लास हमेशा रेगुलर करना आवश्यक होता है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में, क्योंकि 1946 में क्या आया था भारत में? कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। किसके? संविधान सभा के गठन की बात कही गई।
अब क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन को क्यों ठुकरा दिया गया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। कांग्रेस ने तो इसे अपना लिया क्योंकि भाई संविधान सभा के गठन की बात हुई, लेकिन मुस्लिम लीग जिन्ना ने ठुकरा दिया। जिन्ना ने कहा कि बिना हम पाकिस्तान के कुछ नहीं करेंगे। और इसी कैबिनेट मिशन को ठुकराने के बाद 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी। किसकी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। देखिए दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि थ्योरी तो पढ़ाई जाती है, लेकिन कभी कभार प्रश्नों में भी क्या होता है कि प्रश्न भी ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ व्याख्याओं में आपको कुछ नया पॉइंट मिल जाता है और वो नया पॉइंट आपको समझने में और आसानी होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं बस वही हो गया, नहीं, थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी कभार जब हम लोग प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं तो प्रश्न में भी कुछ पॉइंट्स नए निकल आके आ जाते हैं, थ्योरी में वो सब नहीं आते हैं, लीव कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, यही कारण है कि बैच में भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। गांधी अफ्रीका कब गए? अब भाई देखिए, गांधी जी अफ्रीका कब गए हमसे क्या मतलब है, लेकिन मतलब रखना पड़ेगा क्योंकि गांधी जी की बात है। भाई गांधी जी का खास बात क्या है कि इन्होंने वकालत की पढ़ाई, अगर आपसे पूछा गया तो वकालत की पढ़ाई इन्होंने कहां किया था, तो द इनर टेम्पल नामक कॉलेज में किया था। कहां पर? द इनर टेम्पल नामक कॉलेज। ये कहां पर है? ब्रिटेन में। गांधी जी कोई गरीब वरीब घर में थोड़ी ना पैदा हुए थे, गांधी जी अमीर घर में पैदा हुए थे, ठीक है। और भाई देखिए, जो बड़ा घर में पैदा होता है उसको विदेश भेजा जाता है। अब जो हम लोगों की तरह सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, कॉपी कलम पता नहीं, स्लेट और स्लेट लेके जाते थे, एक तो तख्ती जैसा, तख्ती और दुद्धी लेके जाते थे, उसे लिखते थे। तो वकालत की पढ़ाई इन्होंने वहां पे की। अब भाई जब वकील बन गए तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, वकीलों को केस चाहिए। उसके साथ साथ तो ये 1893 में क्या दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने अफ्रीका गए, और ये दादा अब्दुल्ला कौन थे, गुजराती व्यापारी थे। वहीं पर गांधी जी के साथ एक घटना हुई, इनका बढ़िया सा रिजर्वेशन था एवन क्लास डब्बा में, ये बैठ गए ट्रेन में अफ्रीका में, और हुआ क्या कि वहां पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। अंग्रेजों ने कहा गोरे और काले का मतभेद हुआ, उन्होंने कहा हु इज दिस ब्लैक पर्सन सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास एसी। गांधी जी को चतुर्थी ठंडी में पीटर्स मोहिस बर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। इनके जीवन में परिवर्तन आया और इन्होंने 1894 में क्या किया, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कर दिया। और नटाल इंडियन कांग्रेस, देखिए ये सब घटनाएं अफ्रीका में है, ठीक। उसके साथ साथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने पहला सत्याग्रह भी किया। अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन भी कहां पर किया इन्होंने, अफ्रीका में किया। इसके साथ साथ यहां पर इन्होंने टॉल्स्टॉय फर और फिनिक्स फर की भी स्थापना की। कहां पर? अफ्रीका में किया, ठीक। फिनिक्स फर्म की यहां देखिए, ठीक, फिनिक्स फर्म की स्थापना की। इसके साथ साथ गांधी जी अफ्रीका में साल रहे, 22 साल तक अफ्रीका में थे। और वो 1915, मतलब पूरा डेट अगर जानना चाहेंगे तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, जिसको हम किस रूप में मनाते हैं, तो इसको हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लेकिन आपका आंसर क्या है, 1893, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आपके जो एग्जाम में सवाल आया था तो मध्यकालीन से भी सवाल था, आधुनिक भारत से भी सवाल था, ठीक। तो मध्यकालीन आधुनिक हो सकता है, प्राचीन से भी रहे इस बार, भाई पढ़ना तो पूरा है, उसने सिलेबस में सीधा सीधा लिख दिया है इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपके सिलेबस में लिखा है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री को क्या है कि जब क्या कहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को इंक्लूड करके इंडियन हिस्ट्री के साथ कंपेयर करके पढ़ाना। अब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो वर्ल्ड का ही तो था, विदेश का ही तो था, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में और भी घटनाएं वो भी पढ़ाई जाएगी। तो आपको सिलेबस में इतना ही लिख दिया, लेकिन अब आपको तो पढ़ना पूरा है, भले 3-4 सवाल पूछे, पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ेगी उसके लिए। तकवीरें कौन देता था? अब देखिए, सिकंदर लोदी की सबसे बड़ी खास बात क्या है, तो इसने आगरा शहर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आगरा शहर की। आगरा शहर की क्या की? स्थापना की, पहली चीज, ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने
हब ए सर्व नामक सिंचाई कर लगवाया था। क्या हब ए सर्व नामक क्या था? सिंचाई कर था। मध्यकालीन भारत का जो पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगवाया था। इसके साथ साथ दो बार राज अभिषेक करवाने वाला भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इसके साथ साथ सर्वप्रथम फलों के बगान, ठीक, इसकी औरत की, इसकी पत्नी ने कहा ठीक है कि हमको फ्रूट्स खाना है, तो ये कहा कि कौन बार बार कश्मीर जाएगा भैया, इसने फलों के बगान लगवा दिए। तो ये सब कहानियां किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। तकवी ऋण या सोंधर ऋण लगाने वाला कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक क्या किया था? तो इसने दीवाने कोही नामक एक कृषक विभाग का गठन किया था। किसका गठन किया था? कृषक विभाग का गठन किया था, जिसको हम दीवाने कोही के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या है? तकवी ऋण या सोंधर ऋण किसका हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग सवाल दोस्तों क्या है ना, करते रहिए, आंसर देते रहिए। व्याख्याएं तो मैं कर दे रहा हूं, व्याख्या करके तो मैं साइड में हट जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों का ऑप्शंस भी देख रहा हूं, कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग गुड़गोबर कर दे रहे हैं। ऐसा काम चलेगा? हाई कोर्ट में आप लोग बैठेंगे, न्याय का, जहां पे न्याय का मंदिर है, और न्याय का मंदिर में कुछ हौबे ना करी तो अन्याय हो जाएगा ना। अगला सवाल, 1857, पिछली बार आपको 1857 के विद्रोह से सवाल था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ठीक, अब यहां पर थोड़ा समझिए। 29 मार्च को क्या हुआ कि मंगल पांडे ने, ठीक, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग और हरोज को गोली मार दी। ठीक, इनको गोली मार दी, क्योंकि देखिए बात ये थी दोस्तों कि जो निर्धारित तिथि थी 1857 के विद्रोह की, भाई हुआ ये था कि दिल्ली के लाल किले में भाई प्रोग्राम बना, प्रोग्राम में ये बना कि बहादुर शाह जफर को अपना हम लोग नेतृत्वकर्ता चुनेंगे, और सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग संगठित रूप से इस विद्रोह को 31 मई 1857 करेंगे। लेकिन चटुकारिता करने वालों की कमी नहीं इस संसार में, किसी ने जाकर अंग्रेजों से बता दिया कि आप लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी रणनीति चल रही है, आप लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, जिसकी वजह से जब क्या हुआ कि जो इनफील्ड राइफल आई थी जिसमें चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग हुआ था उसको फोर्स किया गया, बैरकपुर के छावनी के सैनिकों को आप इनको इस्तेमाल करिए, वो हम ही को इस्तेमाल करवा के हमारे ही लोगों पर गोली मरवाते, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया। जब ज्यादा प्रेशर डाला गया तो कहना आए ना पाए, मारा चाहे चाहे, इन्होंने मार दिया चट से गोली, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी को, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ? फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अब ये डेट जो है 11 मई 1857 है, लेकिन ये 10 मई 1857 डेट भी आपको मिल सकती है, क्योंकि आयोग है वो कभी कभार डेट को आगे पीछे करता रहता है। जैसे चौरी चौरा कांड पहले 5 फरवरी था, अब आयोग 4 फरवरी को कंसिडर कर ले रहा है। किताबों में भी देखेंगे आपको पहले 5 फरवरी ही मिलेगा। तो ये जनरली 11 मई या 10 मई, ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे। अब आपके मन में और व्याकुलता चल रही होगी कि सर मान लीजिए दोनों रहे तो 10 मई को क्रेडिट दीजिएगा, ये नहीं रहेगा तो 11 मई को। गांधी ने किस घटना के समय कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी? गांधी जी ने किस घटना के समय कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी? देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि जब हम किसी के प्रति बहुत ईमानदार रहते हैं ना, रहते हैं, अब मान लीजिए हमें धोखा मिल जाता है, तो हम उसकी दी हुई चीजें उसको लौटाकर इस बात का प्रूफ करते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगा जो आपने किया। आजकल का नौजवान लोग का है भाई, देखिए हम सबको नहीं कह रहे हैं, कोई दिल पे मत ले लीजिएगा, आजकल क्या है, फोन नहीं उठा रही, मैं फोन में फेंक के तोड़ देते हैं, कुछ देंगे फोन तोड़ देंगे, उसका दिया हुआ कपड़ा जला देंगे। गलत बात है, दिया इस्तेमाल करिए, कपड़ा का मतलब है जो था वो हो गया। तो उस समय उपाधियों का त्याग किया जाता था, जैसे अभी बीच में आपको पता है 1.5 साल पहले घटनाएं थी कि लोग अपनी पदवियों को, अपनी उपाधियों को, पुरस्कारों को सरकार को वापस कर रहे हैं अपनी नाराजगी जताने के लिए। तो हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक, RNT मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने
अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, नाइटहुड, ठीक, जिसको हम सर कहते हैं। गांधी जी ने क्या किया था कि अपनी सारी उपाधियों का अंत, कैसरे हिंद, जुलू युद्ध, बोर पदक, इन तमाम उपाधियों का अंत इन्होंने कब किया? असहयोग आंदोलन के दौरान। कभी गलती मत करिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गांधी जी ने अपनी उपाधि का अंत नहीं किया था, असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ना कि वैदिक युग की तरफ, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, गांधी जी। अब देखिए, सी आर दास की खास बात, दो खास बात है। पहला तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के राजनैतिक गुरु है। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। दूसरा, 1923 में ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, इनके बहुत परम मित्र थे मोतीलाल नेहरू, के साथ मिलकर प्रयागराज में किसका गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने। ठीक, ये हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने सीधा कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, ये इनका नारा था। वेदों की ओर लौटो किसका था? दयानंद सरस्वती का था, क्योंकि इनको ये आस्था थी कि जो हमारा समाज है वो वेदों पे आधारित है। तो इन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो ना कि वैदिक युग की तरफ, तो ये किसका है? दयानंद सरस्वती जी का है। उसके साथ साथ इनको क्या कहते हैं? तो इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखा है, बहुत फेमस पुस्तक है, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की इन्होंने क्या की है? रचना की। क्लियर, समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि मत कह दीजिएगा कि सर, अरे सर, अरे सर। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आइए, शाहजहां ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? पिछली बार आपको था कि मुगल काल में किस शैली का इस्तेमाल किया गया, कला शैली वाला सवाल था पिछली बार। ठीक, शाहजहां ने, देखिए शाहजहां ने भाई बहुत काम किया। पहला, शादी तो उसना मतलब इसने मुमताज से शादी की, इसकी पत्नी का नाम मुमताज महल था, 14 बच्चे पैदा हुए और इमारत बनवाई। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं। इसके साथ साथ इसके शासनकाल को सुनो ना संगमरमर, संगमरमर युग भी कहते हैं। इसने शीश महल भी बनवाया, खास महल। अब प्रेम रतन धन पायो वाला शीश महल मत समझ लीजिएगा, दीवाने खास भी। जहांगीर महल का निर्माण इसने नहीं करवाया है, जहांगीर महल का निर्माण करवाने वाला वीर सिंह देव था। ठीक, याद रखिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि सर जहांगीर उसके पापा थे तो जहांगीर महल का भी निर्माण करवाया होगा। नहीं, जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार, चार मीनार कहाँ है? अक्सर साउथ की मूवी देखते होंगे आप लोग, तो आपको दिखता है कि चार मीनार है। बिरयानी बहुत फेमस है, मूवी में डायलॉग सुनते होंगे ना, जाएंगे चार मीनार में बिरयानी खाने। ठीक भाई, जो खाते हो। ठीक, अब देखिए, ऐबक ने क्या किया था? तो ऐबक ने कुवतुल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। देखिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, वो कोई ऐसा चीज नहीं मेंशन कर रहा है कि आपको यही सवाल पूछेगा, वो सवाल कहीं से ही पूछ लेगा। ठीक है, इसीलिए चीजों को अच्छे से याद रखिए, आ रहा है तो रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है कार्ड पॉइंट नया आ जाए, और नहीं आ रहा है तो अफसोस मत करिए, दोबारा देख के रिवाइज करिए। उसके साथ साथ अढ़ाई दिन झोपड़ा, पड़ा नहीं झोपड़ा, हाई दोनों का है, मस्जिद है। और सबसे फेमस चीज एक तो क्या है? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक, औरंगजेब ने क्या किया था? बीबी का मकबरा। ठीक, बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया औरंगाबाद में। सुल्तान इब्राहिम ने अटाला मस्जिद और झाझरी मस्जिद का निर्माण कराया जौनपुर में। ठीक, अटाला मस्जिद और झाझरी मस्जिद। ठीक,
और कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण करवाया था, तो इन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, सवाल सवाल सही है, अच्छे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम मडिया एकदम त्यौहार के माहौल में सब भूल गए हों। पढ़ते रहिए दोस्तों, त्यौहार भी मनाते रहिए, पढ़ते भी रहिए, ठीक। अब जैसे कुछ लोगों को कहेंगे सर नौकरी मिलेगा तब त्यौहार होता है, बिना नौकरी के, बात तो सही है पर समय नहीं आता है, समय को एंजॉय करना चाहिए, मेरा ये मानना है। हर समय को बांट लीजिए, पढ़ाई के समय को, एंजॉयमेंट के समय को बांट के रखिए, तो इसीलिए सब चीजें बढ़िया हैं। चलिए, सानवा वरुणा किस सेना का स्लोगन है? अब वरुणा शब्द है, वरुण माने बारिश, बारिश माने जल, जल माने जल सेना का। जहां पर स्लोगन में नवदीपे आ गया, ठीक है, तो वो हो जाएगा किसका? वायुसेना का। ये स्लोगन किसका है? जल सेना का। गौतम बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के उपदेश को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया है क्लास में, गौतम बुद्ध के जीवन को हम किसी ना किसी चीज से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। गौतम बुद्ध की चीजों को हम किसी ना किसी चीज से दर्शाते हैं, कुछ हमारी भाषा में है, कुछ पाली भाषा में है। अब जैसे निर्वाण क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति है। क्या है? ज्ञान प्राप्ति। आप लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हैं? आंसर बताइए सब लोग, क्या है? ज्ञान प्राप्ति। इनका था निर्वाण मतलब दिए का बुझ जाना। किस दिए का बुझ जाना? अंधकार के दिए का बुझ जाना। अंधकार मतलब क्या? ये सांसारिक मोह माया, मनुष्य जो इस संसार में इस सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ा है, घर द्वार लड़कियां बच्चा पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं, ये सब एक दिन नष्ट हो जाना है। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं पढ़ाई करो फिर कह रहे हैं एक दिन नष्ट हो जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं, ठीक। तो यहां पर यह हो गया। महाभी निष्क्रमण इनका क्या था? तो गृह त्याग था। महापरिनिर्वाण क्या था? तो मृत्यु थी, ठीक। धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? इनका उपदेश है। और एक सवाल और बनता है, अगर पूछा गया कि सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया, तो सर्वप्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में। क्यों? ऐसे ही समझ जाइए कि जब इन्होंने उपदेश दिया तो लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म में परिवर्तित होने लगे, और दो धर्म चक्र परिवर्तन है, धर्म चक्र परिवर्तन, दूसरे धर्म में परिवर्तित होने लगे, धर्म चक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न, किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? सतारा, हैदराबाद, अवध, झांसी। देखिए अंग्रेजों जब भारत आए तो अंग्रेजों बहुत दिमागी वाले थे, ठीक। वो लोग क्या करते थे कि जो जो राज्य कमजोर होता था उनको कहते थे हम सपोर्ट करेंगे, बाद में जब देखते थे कि इनकी हालत खराब हो रही तो फिर उनको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। कहीं कहीं ये भी नियम लाते थे कि दत्तक पुत्र शासन नहीं करेगा, ठीक। दत्तक पुत्र डलहौजी, देखिए डलहौजिया ने यही नियम लाया था, क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या व्यापगत का सिद्धांत, कि भाई गोद ली हुई संतान जो नहीं करेगी, क्योंकि इसे ये अच्छे से पता था कि कई सारे रजवाड़ों के खुद के संतान नहीं है, उन लोगों ने गोद ली रखी है। तो इसके तहत जो सबसे पहले विलय हुआ वो सतारा था, झांसी भी इसी के तहत विलय हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 के विद्रोह में क्या था? भागीदारी की। हैदराबाद का विलय किसके तहत हुआ था? तो सहायक संधि के तहत। और ये किसका है सहायक संधि? तो सहायक संधि है विलेज लीग का, वेरी गुड। अवध का विलय जो है वो आउट्रमुआ ने क्या किया? कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया। सर्वप्रथम सफल किसान विद्रोह कौन सा था? अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सफल किसान विद्रोह कौन सा था? नील, पाबना, तेलंगाना, एका। देखिए तेलंगाना विद्रोह की खास बात क्या है, इसको याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी, ठीक, किसके? भारत की स्वतंत्रता के बाद तक चलने वाला जो विद्रोह है, भारत की स्वतंत्रता के बाद तक जो चलने वाला विद्रोह है वो क्या है? वो तेलंगाना विद्रोह है। और सबसे पहला सफल किसान विद्रोह था नील विद्रोह था, ठीक। इसका जिक्र किसमें मिलता है? नील दर्पण में मिलता है, और किसमें मिलता है? हिंदू पैट्रिएट में मिलता है, इसमें हिंदू पैट्रिएट में,
क्या हुआ दोस्तों, सब समझ में आ रहा है ना? हाँ क्लियर है ना भाई? देखिए भाई, बैच में तो जो पढ़ रहे हैं उनको तो क्लियर है, नहीं है आगे हो जाएगा, और लोग जो हैं ठीक उन्हें तो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखिए पिछली बार के हाई कोर्ट का पेपर आप देख लीजिए, उसने सवाल के स्टैंडर्ड को बढ़ाया हुआ है। हाँ अब वो अवधारणा अपनी अलग अलग सब लेके चलेंगे तो कोई भाई बात ही नहीं है, बाद में जब एग्जाम होता है तो होता है कि सर आप जो बताए थे वहीं से आया है, ये आप ही लोग बताते हैं, हम लोग थोड़ी पेपर देने जाते हैं। मैडम भीका जी कामा, मैडम भीका जी कामा की अगर हम बात करें तो इनकी खास बात क्या है, इनको क्रांति प्रसूता कहते हैं या भारत की क्रांति माँ कहा जाता है या मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी कहा जाता है, ठीक। उसके साथ साथ भारत के बाहर ठीक है स्वतंत्रता संग्राम में, किसमें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी, मैडम भीका जी कामा। उन्होंने ही जर्मनी के स्टुटगार्ट में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था, और इसका रंग क्या था, लाल हरा और पीला था, और क्या था, आठ कमल का फूल बना था झंडे में, उसके साथ साथ और क्या था, वंदे मातरम लिखा हुआ था, वेरी गुड। और इस झंडे में इनकी सहायता किसने किया था, तो सहायता किए थे सरदार राणा सिंह, किसने किया था, सरदार राणा सिंह। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस किस घटना से जुड़े हुए हैं। खुदीराम बोस एक ऐसे क्रांतिकारी ठीक जिन्हें सबसे कम वर्ष में फांसी की जब सजा हुई, इनकी आयु बहुत कम थी, मतलब सबसे युवा है जो फांसी पर चढ़े हैं, इनको फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई, ठीक है सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले ठीक कौन है, खुदीराम बोस जी हैं, हमारे देश के पहले, हमारे लोग क्या है कि पहले देश के लिए फांसी चढ़ जाते थे, आज की भी डोट लोग सेना में है, लेकिन आज का जो सोशल साइट और युवा वर्ग है झूठे फांसी चढ़ जाता है किसी चक्कर में, देश के लिए कुछ करो भाई, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो है ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किसकी हत्या का प्लान किया, तो वहां का जो एक बदनाम अधिकारी था उसका नाम था किंग्सफोर्ड, तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान किए थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। प्रफुल्ल चाकी ने तो वेनी नामक रेलवे स्टेशन पर क्या किया, खुद को गोली मार ली थी, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन खुदीराम बोस ही पकड़ लिए गए और इन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, शोक दिवस कब मनाया जाता है, शोक दिवस कब मनाया जाता है। अब आप ये मत कहिएगा सर कि जब रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं होता तो हम लोग शोक दिवस मनाते हैं, ठीक हाँ हाँ कई लोग इसको भी कह सकते हैं, तो शोक दिवस कब मनाया जाता है, देखिए बात क्या है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन ठीक दो भागों में हो गया, एक था पश्चिम बंगाल ठीक इसकी राजधानी कलकत्ता थी, और दूसरा था पूर्वी बंगाल इसकी राजधानी ढाका थी। अब जब ये हुआ तो इसी दिन शोक दिवस और उसके साथ साथ एक और दिवस है राखी दिवस, क्योंकि लोगों ने एक दूसरे के हाथ में पीले रंग की राखी बांधी और बोला हम लोग अलग भले हो रहे हैं लेकिन हम लोगों में जो भाईचारा है वो व्याप्त है, अंग्रेजों भले हमें अलग कर रहे हैं लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। और अगर 7 अगस्त 1905 की बात की जाए तो इस समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ठीक। और अभी मैंने पीछे वाले भी एक प्रश्न में आपको बताया था कि बंगाल विभाजन के दिन ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो 13 अप्रैल 1919 को। भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी मर्मिक घटना है जिसे पन्नों में थोड़ा सा लिखकर खत्म कर देते हैं क्योंकि कुछ भारतीय वकीलों की चटुकारिता की वजह से। उसके साथ साथ क्या आया था, तो रॉलेट एक्ट आया था ना, रॉलेट एक्ट, इसी को क्या कहा गया, काला कानून। अब तो हमारे
मतलब जो मूर्ति है न्याय की मूर्ति, उनकी आंखों से पट्टियां हटा दी गई हैं। अच्छी चीजें हैं, देखे होंगे करंट रिसेंट के न्यूज है। हाथ में संविधान की पुस्तक भी दे दी गई है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है, अब न्याय जो है आप आंख खोल कर करिए। ठीक, तो रॉलेट एड के विरोध में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया, और उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में वैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे, जिन पर फायर किया गया। आर डायर ने गोली चलाई, ठीक है, किसके कहने पर? ओ डायर के कहने पर। और इस समय जो वायसराय था वो कौन था? चेम्सफोर्ड था। प्रथम बार जनगणना किसके समय हुई? ठीक, अब इसका दो देख, कॉर्नवालिस और मेयो की अगर बात करें तो कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है, ठीक, और मेयो की जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? तो वो अंडमान निकोबार। ये सवाल पहले बहुत बनता था, हो सकता है आपको बन जाए, हाँ, कि निम्न मसे वह कौन सा गवर्नर जनरल या वायस राय है जिसकी मृत्यु भारत में हुई है? तो वो कॉर्नवालिस और मेयो है। अब अगर इसका सवाल है मेयो, ठीक है, और अगर पूछा गया कि नियमित रूप से, इसमें देखिए नियमित रूप से जनगणना नहीं कही गई है, इसमें पूछा गया है कि प्रथम बार जनगणना किसके समय हुई, तो प्रथम बार जनगणना तो मेयो के समय हुई है, लेकिन अगर पूछा गया कि नियमित रूप से किसकी हुई है तो रिपेन हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है? वहां पर जब किताब में लिख रहा था तो मैं चाहता ये किताब भी बता देता, ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब देखिए ये सभी के सभी जो जेल हैं, सभी के सभी जेल, ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे उस समय के, मतलब जेलवा अभी भी हैं, जाना थोड़ी ना है हम लोगों को, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था 9 अगस्त की सुबह, जिसके तहत सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसी में क्या था कि हजारीबाग में कौन थे, तो यहां पर जयप्रकाश नारायण थे। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, आंसर करिए सब लोग, ठीक है। बाकीपुर में कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, बाकीपुर में इन्हें नजरबंद किया गया। आगा खां पैलेस में गांधी थे, ठीक, कस्तूरबा गांधी थी, ठीक है, और कौन था, और सरोजनी नायडू थी। कौन था? सरोजनी नायडू। और ये किस जेल में थे, तो ये अल्मोड़ा जेल में थे, और इसी समय इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। सही है क्वेश्चन का लेवल, मतलब पिछली बार का पेपर देखकर सॉल्व कर रहे हैं ना, ये थोड़ी ना है कि ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, परवा देखे हैं ना, क्वेश्चन का लेवल सही है ना, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। और अभी तो मैं पहला प्रैक्टिस है लाइव, बाकी बैच में चल रहे हैं, पहले तो आपको अभी पॉलिश्ड कर रहा जा रहा है कि आप फैक्चुअल बता रहे, ठीक है, नहीं तो कंसेप्चुअल कैसे बताएंगे जब फैक्चुअल नहीं पता रहेगा। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो भाई बहुत फेमस जगह है ये, किसकी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक। किस नदी किनारे थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमेशा पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को मत छोड़ा करिए। अब देखिए कैसा प्रश्न आया था पिछली बार, 24वां, आगरा के किले में सोने की न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? आगरा के किले में सोने की न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? क्यों ये सवाल पूछा? क्योंकि एक शासक है, इसमें सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जो एक न्यायप्रिय शासक था, तो वो कौन था? तो वो था जहांगीर, ठीक। और जहांगीर के शासनकाल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया है। स्थापत्य कला का क्या कहा गया? विश्राम काल। उसके साथ साथ क्या कहा गया है इसके शासनकाल को? तो इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा गया है, ठीक। चित्रकला प्रेमी था, अनारकली के चक्कर में था, वैसे भी जब किसी चक्कर में कोई रहते हैं तो उनको चित्र बनाते रहते हैं, तुम्हारी यादों में तुम्हारी आंखें बनाऊंगा। ये देखिए, ठीक, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति के सदस्य थे? अब बात समझिए, इसी तरह कूट का जो सवाल है, ये आखिरी प्रश्न है, और जाते जाते मैं आपको ट्रेलर देते जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको ट्रेलर देते जा रहा हूं कि पिछली बार इसी तरह के प्रश्न आए थे। अब इस तरह के प्रश्न कब आप कर सकते हैं? जब आपने थ्योरी पूरी पढ़ी हो, अच्छे से क्लास किया हो, पूरा फैक्ट याद हो, तभी आप कर सकते हैं।
जो पढ़ रहे हैं बैच में तो कर ही लेंगे, बाकी लोग भी जहां भी हो तो करेंगे, और जो अगला प्रैक्टिस होगा वो इसी तरह का रहेगा। तो देखिए, खिलाफत समिति जिसका गठन 1919 में हुआ था, किसने किया था? तो अली ब्रदर्स ने किया था। इसमें कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली थे, और कौन कौन थे? एक जन थे शौकत अली। ये मुख्य थे जिन्होंने गठन किया था। लेकिन ये देखिए, ये लोग सब लोग क्या थे? इसके सदस्य थे, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इसी तरह के सवाल फिर अगले प्रैक्टिस में करेंगे, अभी आपको फैक्चुअल किए। तो आशा करता हूँ क्लास में आपको मजा आया होगा, सवाल करके मजा आया होगा। आंसर प्लीज आप लोग लगातार देते रहा करिए, और नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी रही और कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। फिर आगे चलकर, क्योंकि वैसे ही प्रश्न हमें बनाने हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग सेहत का ध्यान रखिए। सबको जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद, सब ख्याल रखिएगा।